प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन मोहन यादव के सामने एक समस्या दिखाई दे रही है। ऐसी मान्यता है कि राजाधिराज महाकालेश्वर की नगरी में कोई भी राजा अगर रात गुजारता है, अगर किसी ने रात गुजारी है तो वह राजा नहीं रह जाता। इस तरह का मिथक उज्जैन के लिए हमेशा से बना रहा है। उज्जैन का राजा बाबा महाकालेश्वर को कहा जाता है, इसलिए पिछले कुछ कार्यकाल को देखें तो कोई भी मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं गुजारता। लेकिन ये मिथक सीएम मोहन यादव के लिए कितना सच साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के ही निवासी हैं। वे उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि उज्जैन का मूल निवास स्थान है, ऐसे में अब उन्हें उज्जैन में रात गुजारना पड़ेगी। अब ऐसे में कई लोगों का कहना है कि क्या उज्जैन को लेकर राजा का मिथक टूटेगा। पवन झूमे सैया के चरण बजियनुमा बहार तुम्हें से है, ये चमक ये दमक फुलवन। मोदी और अब मोहन, महाकाल की नगरी से ही जो महाकाल का बेटा है मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद से नवाजा गया है, तो अब कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें सभी पर यही प्रतिक्रिया आ रही है कि राजाधिराज महाकाल एक ही हैं, उनके आगे सब रंग के हैं और रंग बनकर ही उनको सेवक बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन रात्रि विश्राम वो यहाँ करेंगे या नहीं करेंगे, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय महाकाल मंदिर के जो पुजारी आशीष गुरु जी से हम बात करते हैं। महाकाल, मोदी और मोहन क्या कहेंगे इस बारे में, मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले तो क्या कहेंगे? देखिए, अवंतिका नगरी और मालवांचल का बड़ा ही अच्छा दिन है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारे उज्जैन से मुख्यमंत्री जो बाबा महाकाल, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, जो दुनिया की रचयिता है, वहीं से मुख्यमंत्री के रूप में मोहन जी का हुआ है। इसलिए हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक जो मिथक चल रहा है कि रात्रि में कोई भी मुखिया राजाधिराज महाकाल के आगे नहीं रुकता है, क्योंकि राजाधिराज तो महाकाल ही हैं। अब दूसरे मुखिया मुख्यमंत्री को भी राजा कहा जाता है, तो दो राजा एक ही शहर में कैसे निवास कर पाएंगे, कैसे रात्रि विश्राम कर पाएंगे? देखिए, पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसका पुत्र तरक्की करता है। उसी प्रकार अवंतिका नगरी के मोहन जी पुत्र हैं और अवंतिका नगरी के जो पिता हैं वो महाकाल हैं। तो जब अवंतिका नगरी के पिता महाकाल हैं और उसी नगरी के जो पुत्र हैं मोहन जी हैं, तो मुझे किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। किंतु अनादिकाल में एक से बहुत से उदाहरण हैं, राजा महाराजाओं के, राजा विक्रम का उदाहरण ले लीजिए कि जो राजा होते हुए यहाँ पे शासन भी किया और वो यहाँ पर रहे भी हैं। उसी प्रकार एक पिता की नगरी के अंदर पुत्र जो स्वयं का जन्म यहाँ का है, इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ रहते भी हैं तो बाबा का उन्हें आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल